वाह जिंदगी, एक नई पहल। दोस्तों, जीवन में धैर्य और लगन वो गुण हैं जिसको अपनाकर कोई भी साधारण से साधारण इंसान भी महान कार्य कर सकता है। सफलता पाने में ये सबसे जरूरी क्वालिटी है। आइए मैं आपको एक कहानी सुनाता हूं। बात उन दिनों की है जब आचार्य चाणक्य तक्षशिला में पढ़ाया करते थे। वो मानते थे कि छात्रों को थ्योरी से ज्यादा व्यवहारिक ज्ञान यानी प्रैक्टिकल नॉलेज दिया जाना चाहिए, क्योंकि उनके शिष्यों का व्यक्तित्व व्यवहारिक ज्ञान से निखर कर सामने आएगा। एक महान गुरु, एक महान सोच। तो दोस्तों, कहानी में ट्विस्ट आता है जब गुरुकुल में सेशन खत्म होने वाला था। छात्रों के अंतिम टेस्ट की बारी आ गई। इस अंतिम टेस्ट में आचार्य चाणक्य ने सभी छात्रों को बेत की टोकरियां दी और कहा, गुरुकुल की साफ सफाई के लिए पानी की आवश्यकता है, आप सभी छात्र इन टोकरियों में पानी भर के ले आए। छात्र गुरु के इस आदेश पर चकराए, अरे इन बेत की टोकरियों में पानी भरना तो असंभव है। परंतु गुरु के आदेश को टालने की हिम्मत किसी में न थी। उन्होंने नदी में पहुंचकर टोकरियों में पानी भरने का प्रयास किया, परंतु जैसे ही वो पानी भरते, टोकरी के छेदों से सारा पानी निकल जाता। अतः थक हार कर सभी छात्र खाली हाथ गुरुकुल को लौट गए, सिवाय एक छात्र के। ये छात्र जो नदी के किनारे रुक गया, उसे आचार्य चाणक्य में पूर्ण विश्वास था। उसने सोचा कि आचार्य जैसे महान गुरु ने यदि आदेश दिया है तो कुछ सोचकर ही दिया होगा, और वो पूरे धैर्य और लगन के साथ सुबह से शाम तक टोकरियों में पानी भरने का प्रयास करता रहा। आश्चर्य, बेत सुबह से शाम तक पानी में भरे रहने के कारण फूल जाती है और उसके छेद भर जाते हैं, और अंत में वह छात्र आचार्य के पास पानी से भरी टोकरी लेकर पहुंचता है। तब आचार्य सभी छात्रों से कहते हैं, मैंने आपको एक बहुत मुश्किल कार्य दिया था जिसे केवल विवेक, धैर्य और निरंतर प्रयास से ही पूरा किया जा सकता था। अतः जब भी कोई कार्य असंभव प्रतीत हो तो धैर्य नहीं खोना चाहिए, निरंतर प्रयास करते रहिए, जीत आपकी होगी। दोस्तों, इसे अपना मूल मंत्र बनाइए, और कोई आपसे कहे कि तुम्हारे सपने असंभव हैं तो बस लगन और धैर्य से लगे रहिए, बिकॉज इम्पॉसिबल सेज इटसेल्फ, आई एम पॉसिबल। मैं आपका गाइड ओजांक ऐसी प्रेरणादायक कहानियों के साथ फिर हाजिर होऊंगा। नमस्कार। वाह जिंदगी, एक नई पहल।